इस वीडियो में हम लोग सोलर वाटर हीटर को समझेंगे जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है सोलर वाटर हीटर एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि सन से एनर्जी को रिसीव करके वाटर को हीट करता है सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट होता है एज बी नो सोलर एनर्जी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड इट इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट सोलर वाटर हीटर को डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम भी बोला जाता है इस टाइप के सिस्टम के हेल्प से वाटर का टेम्परेचर 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करा जा सकता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वाटर हीटर का यूज करते हैं उसका कैपेसिटी 100 टू 300 हंड्रेड लीटर्स तक हो सकता है सोलर वाटर हीटर डिफरेंट मेन एलिमेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है लाइक सोलर कलेक्टर इस सिस्टम में जनरली ट्यूब सोलर कलेक्टर का यूज किया जाता है ट्यूब्स यहाँ पे पैरेलली प्लेस्ड रहता है ट्यूब्स को बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज किया जाता है ट्यूब के इनर पोर्शन पर ब्लैक मटेरियल का कोटिंग किया जाता है जिसका मेन पर्पस होता है रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करना इस सिस्टम का नेक्स्ट एलिमेंट है स्टोरेज टैंक जो कि अपर पोर्शन पर प्लेस्ड रहता है जिसके साथ ट्यूब्स कनेक्ट रहता है स्टोरेज टैंक मेटल के थिक लेयर से बनाया जाता है एंड स्पेशल मेटल का यूज किया जाता है टू प्रोवाइड इंसुलेशन ताकि हीटेड वाटर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके ट्यूब्स एंड स्टोरेज टैंक को स्टैंड के हेल्प से कुछ एंगल पर बेंड करके रखते हैं ऐसा करने से ज़्यादा सोलर रेडिएशन इंसिडेंट करती है यहाँ पर कोल्ड वाटर टैंक है जिसको ट्यूब्स से ज़्यादा हाइट पर प्लेस्ट करते हैं ऐसा करने से ट्यूब्स में वाटर प्रॉपर्ली सर्कुलेट करेगा एंड दिस इज टैंक का स्टैंड, जिस पर वाटर टैंक प्लेस्ट रहता है कोल्ड वाटर टैंक पाइप के थ्रू सोलर हीटर के स्टोरेज टैंक से कनेक्ट रहता है एंड एक वल्व का यूज़ करते हैं जिसके हेल्प से वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं इस पाइप को इनलेट पाइप बोल सकते हैं एंड टैंक के इस पोर्शन पर आउटलेट पाइप को कनेक्ट करते हैं जिसके थ्रू हीटेड वाटर बाहर फ्लो करेगा जो स्टोरेज टैंक है वो डिफरेंट साइज में आता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप इसको कंसीडर करेंगे सोलर वाटर हीटर थर्मोसाइफन प्रिंसिपल पर ऑपरेट होता है इस टैंक में नॉर्मल वाटर स्टोर रहता है जिसको हीट करना है इस वाटर को पाइप के थ्रू स्टोरेज टैंक में ले जाते हैं तो इन सारे ट्यूब्स में वाटर फिल्ड हो जाता है स्टार्टिंग में इस स्टोरेज टैंक में जो वाटर है वो हाफ फिल्ड रहता है जब सन रेज और सोलर रेडिएशन इन ट्यूब्स पर इंसिडेंट करती है तो इसमें प्रेजेंट ब्लैक मटेरियल सोलर रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड उस हीट के कारण ट्यूब्स में प्रेजेंट वाटर हीट होने लगता है हीटेड वाटर ऊपर की ओर फ्लो करता है एंड स्टोरेज टैंक के इस पोर्शन पर स्टोर होने लगता है एंड टैंक के लोअर पोर्शन से कोल्ड वाटर इन ट्यूब्स में फिल्ड हो जाता है मतलब हीटेड वाटर ऊपर की ओर सर्कुलेट करता है एंड कोल्ड वाटर नीचे की ओर सर्कुलेट करता है जब वाटर हीट होकर अपर पोर्शन पर जाता है तो लोअर पोर्शन पर कोल्ड वाटर इस टैंक से पाइप के थ्रू आ जाता है एंड ट्यूब्स में सर्कुलेट करता है हीटेड वाटर टैंक में ऊपर स्टोर हो रहा है एंड कोल्ड वाटर टैंक के लोअर पोर्शन पर प्रेजेंट है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीटेड वाटर का डेंसिटी कम होता है कंपेयर टू कोल्ड वाटर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ऑफ लिक्विड यह सिस्टम वर्क करता है हीटेड वाटर का डेंसिटी कम रहता है इसके कारण वो ऊपर की ओर सर्कुलेट करता है एंड वहाँ पे स्टोर हो जाता है एंड कोल्ड वाटर टैंक के लोअर पोर्शन पर रहता है तो टैंक में इस तरह से दो लेयर क्रिएट हो जाता है जहाँ पे अपर पोर्शन पे हॉट वाटर स्टोर होता है एंड लोअर पोर्सन पर कोल्ड वाटर अवेलेबल रहता है एंड हीटेड वाटर को आउटलेट पाइप से हम लोग रिसीव करते हैं जिसका यूज़ डिफरेंट अप्लीकेशन में कर सकते हैं देर आर मेनी एडवाटेजेज ऑफ सोलर वाटर हीटर सोलर वाटर हीटर डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग इंस्टॉल करा सकते हैं सोलर वाटर हीटर का एफिसियंसी हायर होता है इसमें अबाउट एटी परसेंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो है वो ट्यूब्स के द्वारा एबजॉर्ब हो जाता है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सो वी कैन से दिस सिस्टम इज कॉस्ट सेविंग सोलर वाटर हीटर में लेस मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है सोलर वाटर हीटर में किसी टाइप का स्मोक या फिर पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है एंड डिसएडवांटेजेस का बात करें तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इसके स्टोरेज टैंक में स्केल का लेयर क्रिएट हो जाता है मेन टैंक से नॉर्मल वाटर फ्लो करके आ रहा है उसमें डिफरेंट मिनरल्स कंटेंट रहता है तो यहाँ पे स्केल का लेयर बन जाता है जिसको कि रिमूव करना पड़ता है सोलर वाटर हीटर सन के रेडिएशन पे ऑपरेट होता है तो जो ये सिस्टम है वो वेदर पे डिपेंड रहता है अगर रेनी सीजन है तो क्लाउड्स के कारण सन का जो सोलर रेडिएशन है वो प्रॉपर अमाउंट में ट्यूब्स के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगी तो जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं होगा उस कंडीशन में इस सिस्टम को यूजुअली रूफ पे या फिर ऐसे ओपन एरिया में इंस्टॉल करना पड़ता है जहाँ पे जो सन का रेडिएशन है वो डायरेक्टली इंसिडेंट कर सके ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसको हम लोग अपने रूम में या फिर घर के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं सोलर वाटर हीटर का यूज़ डिफरेंट अप्लीकेशन में किया जाता है इसका यूज हाउसेज अप्लीकेशन के लिए किया जाता है सोलर वाटर हीटर का यूज़ कम्युनिटी सेंटर्स में किया जाता है इसका यूज हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स में किया जाता है इसका यूज होटल्स एंड रेस्टोरेंट में किया जाता है इसका यूज डेयरी प्लांट्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज में किया जाता है सोलर वाटर हीटर का यूज स्विमिंग पूल्स में किया जाता है सोलर वाटर हीटर दो टाइप का आता है एक फ्लेट प्लेट सोलर वाटर हीटर होता है एंड अनदर वन इज़ ट्यूब कलेक्टर टाइप सोलर वाटर हीटर वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम होता है इसका कंस्ट्रक्शन स्लाइटली चेंज होता है फ्लैट प्लेट टाइप जो सोलर वाटर हीटर होता है ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट लगा हुआ रहता है जो कि रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड ट्यूब टाइप कलेक्टर सोलर वाटर हीटर जो होता है इसमें डबल लेयर बोर्सली केट ग्लास का यूज किया जाता है एंड इसके इनर पोर्शन पर ब्लैक मटेरियल से कोटिंग किया जाता है जिसके हेल्प से सोलर रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होता है और रेडिएशन में जो हीट रहेगा वो वाटर में ट्रांसफ़र होता है जिससे जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इस तरह से जो सोलर वाटर हीटर होता है वो वर्क करता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें